नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। इसकी पहले का जो हमने वीडियो बनाया था करंट अफेयर का, कोरोना के तीसरी लहर पे बनाया था। लोगों ने भारी डिमांड किया कि नहीं सर कुछ और बताइए इसके बारे में, डेल्टा प्लस के बारे में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन में और मिल गई है, क्योंकि हमने तीसरी लहर के बारे में बताया था कि ये एक स्पेकुलेशन था वैज्ञानिकों का, 40 वैज्ञानिकों का, कि भारत में आने वाली तीसरी लहर, और वो लगभग सत्य साबित हुई और वो तीसरी लहर आ चुकी है। अंदेशा तो ये था कि सितंबर अक्टूबर में आएगा, लेकिन इसी समय आ चुकी है। हो सकता है सितंबर अक्टूबर में उसका पीक चला जाए और शुरुआती आ चुका है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आ चुका है। भारत की बात मत कीजिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, भारत में जो वेरियंट है वो डेल्टा प्लस है। पूरे दुनिया में अलग अलग इसके वेरिएंट हैं, और ये डेल्टा प्लस अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में डेल्टा है। डेल्टा प्लस का मतलब ये प्लस से आप ये मत समझिए कि बहुत तीव्रता है, वो डॉक्टर्स अपना डिनोट करने के लिए, जैसे ब्रिटेन में डेल्टा है तो भारत में जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा अलग है, उसको अलग से डिनोट करने के लिए प्लस लगा दिया उन्होंने। तो पहले डेल्टा प्लस पे हम चलते हैं कि डेल्टा प्लस है क्या वास्तव में। कोरोना का जो वायरस है वो प्रत्येक महीने में लगभग 2 से 3 बार अपना वेरिएंट चेंज करता है, तो उसी में से एक है डेल्टा प्लस। और वो जो वेरिएंट अब की बार जो चेंज किया है वो B.1.617.2 से बना है ये डेल्टा। अब हम आते हैं कि कहाँ क्या इसके लक्षण, पहले इस पर हम आ जाते हैं इस डेल्टा प्लस के। भाई कोरोना का जो लक्षण है उससे ये किस प्रकार से डिफर है। पहले तो कोरोना का जो लक्षण था वो तो आप जानते ही होंगे, कौन से लक्षण, सर्दी जुखाम बुखार तो उसका लक्षण है ही, वो ऑलरेडी इसमें है, उसमें कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा एडिशनल और क्या सिम्टम्स हैं, सीने में दर्द, आँखों में फ्लू मतलब में जैसे आप लोग देखते हैं कि आँख उठना का रहते हैं, तो हम लोग काला चश्मा लगाते हैं, गगल काले ब्लैक गगल लगाते हैं, वो आँख उठना बोलते हैं उसको। पेट में दर्द, डायरिया, घ्राण शक्ति में यानी सूंघने में कमी, और भूख न लगना, सूखी खांसी, स्वाद न आना, ये सब इसके एडिशनल सिम्टम्स हैं कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसके अलावा, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ये अगर ये भी लक्षण साथ में पाए जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप डेल्टा प्लस के शिकार हो चुके हैं। और WHO ने जो बात कही है बहुत ही चिंता प्रकट करने वाली बात है। उसने WHO ने कहा कि अब तक का ये सबसे खतरनाक वेरिएंट है, और इसके संक्रमण की स्पीड जो बहुत फास्ट है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। अब आप इंडिया में चले आए, उसके बाद तब वर्ल्ड में आते हैं। इंडिया में कहां कहां पर ये फैल चुका है और कितने केसेस आ चुके हैं, लगभग भारत 11 राज्यों में इसके पेशेंट मिल चुके हैं। कुछ राज्यों के हम नाम बता दे रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, और साउथ में आप चले जाएंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब राज्यों में इसके पेशेंट मिल चुके, लगभग 11 राज्य हैं, और कितने, लगभग 52 मामले, 52 केसेस आ चुके हैं इसके थर्ड वेव के डेल्टा प्लस के। एकदम परफेक्ट है ये, परफेक्ट न्यूज। अब आप चले हैं कि वर्ल्ड में कहां कहां पर ये फैल चुका है। भाई लगभग 85 देशों में, 85 कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में डेल्टा के जो वेरिएंट, न्यू वेरिएंट है, डेल्टा के वेरिएंट आ चुके हैं। ये पूरी परफेक्ट न्यूज ये भी है। और उसमें से कुछ देशों के नाम मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका, बांग्लादेश, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, भारत, कहां कहां पर क्या क्या कितने कितने मामले, ये भी बता देते हैं। भारत में हमने बताया 52 केसेस हैं, स्विट्जरलैंड में 18 केसेस यानी 18 केसेस हैं, बांग्लादेश में कुछ अभी डाटा क्लियर नहीं है, पुर्तगाल में 22 केसेस हैं, ब्रिटेन में 36 है, और US में 83 केस, सबसे ज्यादा US में इसमें है। US में भी डेल्टा प्लस है, भारत में भी डेल्टा प्लस है। अब इन सब देशों ने अपने यहां पुनः लॉकडाउन पर विचार करना शुरू कर दिया है, ये भी हमारे लिए चिंता की बात है। इसमें से बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल ले, 28 तारीख से, आज 27 है, आज हो सकता 28 हो,
28 जून से बांग्लादेश में एकदम सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी, वहां पर लॉकडाउन हो गया। सिडनी एक पर्टिकुलर, एक साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पर्टिकुलर सिडनी में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। भारत में अभी ऐसा लॉकडाउन जैसा कोई माहौल नहीं है। भारत में जो भी राज्य हैं उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एकदम गाइडलाइन जारी कर दी कि कोई भी पेशेंट मिले आप उसको तुरंत आइसोलेट करके उसका जीनोम मैपिंग कीजिए कि है डेल्टा प्लस कि नहीं डेल्टा प्लस है। अगर डेल्टा प्लस है तुरंत उसको आइसोलेट कीजिए और उसके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब ट्रीटमेंट में आप जब जाते हैं तो हम लोगों ने जो वैक्सीन लगवा के रखी है, जैसे हमने कोविशील्ड लगवाया, हो सकता है आप कोवैक्सीन लगवाए हों या स्पुतनिक लगवाए हों, तो क्या वो वैक्सीन इस डेल्टा प्लस के लिए कारगर है? वैज्ञानिक अभी भी डॉक्टर्स इस पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। सारे जितनी भी वैक्सीन है इंडिया में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, मेन प्राइम यही है, इन तीनों पर जितने भी वेरिएंट हैं सबका ट्रायल चल रहा है। ये जो वैक्सीन है अब वो अगर कारगर है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, 10 से 12 दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि जो वैक्सीन हमने लगवाई है, जो वैक्सीन हम लोग अपने लोगों को दे रहे हैं, क्या वो डेल्टा प्लस के लिए कारगर है या नहीं कारगर है। अगर कारगर है तो ठीक है भाई, कितने परसेंट कारगर ये भी पता चल जाएगा, और अगर नहीं कारगर है तो फिर कोई और विकल्प तलाशा जाएगा। तो भी 10 से 12 दिन उसमें समय लगेगा आने में ये पूरा। अब इसमें सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अगर सरकार और जनता दोनों मिलकर अगर इस डेल्टा प्लस को नहीं रोक पा रही तो तबाही यानी तय है, ये जान लीजिए। और फिर एक तो लॉकडाउन का तो विकल्प उनके पास है ही, लॉकडाउन तो लास्ट में लगाएंगे, लेकिन शुरुआती में सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, सब जगह ये बात कही जा रही है, हर राज्य की सरकारें कर रही हैं कि आप लोग मास्क तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से पहने, अगर नहीं पहनना है तो बहुत अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, अपने फैमिली के साथ भी धोखा करें, सोसाइटी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, तो वो बहुत आवश्यक है आज की डेट में। अगर इसको हमें, हम सब लोगों को रोकना है तो सरकार भाई दिल्ली में बैठी है, लखनऊ में बैठी है, हैदराबाद में बैठी है, गांधीनगर में बैठी है, शिमला में बैठी, वो तो वहां से गाइडलाइन एक निर्देश जारी करती है। हम लोग जो भी जनता है पालन तो हम लोग करना रहता, वो सही निर्देश जारी करते हैं, कोई भी सरकार सही निर्देश जारी करती है, हम लोग उसका अप्रोप्रिएट पालन करें, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। दो गज की दूरी हम भी देखते हैं, मार्केट में देखते हैं कोई ऐसा, सब ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अभी सेकेंड फेज का जो हमने त्रासदी देखा है बहुत ही दयनीय दशा रही है भारत की। सारा डाटा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता लेकिन बहुत ही दयनीय, अभी उससे उभरे ही नहीं कि थर्ड वेव का जो हम लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे उसके पहले जून ही में आ गया, मतलब शुरुआती सिम्टम, शुरुआती केसेस मिलने शुरू हो गए, तो ये हो सकता सितंबर अक्टूबर तक अपने हाईएस्ट पीक पे चला जाए। तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, अब इससे हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर हम लोग रोक लेते हैं तो संभव है हम लोग लॉकडाउन से बच जाएं। अगर रोकने में असमर्थ रहते हैं तो केसेज जब ज्यादा बढ़ने लगे तो सिर्फ एकमात्र विकल्प है गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन का, और कोई विकल्प है नहीं इतनी जल्दी में, तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, वो भी सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी स्पीड बाकी फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज से बहुत तीव्र है, तो रोकना अनिवार्य है दोनों को, सरकार को, जनता को, दोनों को। आज इस टॉपिक पर लोगों ने कहा और बनाया जाए भाई कुछ डेल्टा, आप सब कुछ और बता दें, लेकिन एक अनुमान जो हमारा था और डाटा के आधार पर अनुमान था कि तीसरी लहर आएगी भारत में, वो अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। और फिर हमने इस पर डेल्टा प्लस पर लोगों के निवेदन पर, आग्रह पर हमने पुनः बनाया, हम कह कि और जानकारी दे दें कि रहे जानकारी लोगों के पास, एकदम ऑथेंटिक जानकारी रहे, और जो भी है गाइडलाइन है उसका एप्रोप्रिएट पालन करें लोग। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, हो सकता है कल परसों जो भी जैसे मिलता कोई मैटर मिलता करंट इशू का बढ़िया, फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।